Hello everybody and welcome back to the channel once again. As you all know that we are continuing our series of genetics, and in this video we will be completing part 5th of our chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. So guys, इससे पहले हमने already इसके 4 parts बना लिए हैं. अगर आपने videos नहीं देखी हैं तो description box में link given है, वहाँ से जाके उसे checkout ज़रूर करिएगा. And one more thing, if you are new to our channel, don't forget to subscribe, because subscribe करना बिल्कुल free है. And turn on the bell notification ताकि next time जब भी कोई video upload करूँ आपको notification आ जाए और आप हमारी आने वाली कोई भी video बिल्कुल भी miss ना करें. One more thing, अगर video पसंद आती है तो like करना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं आज के इस topic को. आज का हमारा topic बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. लाइक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है. इनहेरिटेंस जो वर्ड है वो किन्होंने दिया था, मेंडल ने दिया था. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ठीक है. किस तरीके से जेनेटिक्स में उन्होंने हमें समझाया था विद अ पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, काफ़ी लॉज दिए. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है. उसके बाद हमारा कोडोमिनेंस का दिया था हमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का दिया था. तो दिस ऑल काइंड ऑफ लॉज वर गिवन बाय मेंडल. तो इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई. बट द मेन थिंग इज, व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने अपने काम को पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स इन अराउंड 1865. उसने 1865 में उसके अपने काम को मेंडल ने पब्लिश कर दिया था. लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे कि उसका काम अनरिकग्नाइज्ड रह गया 1900 तक, ठीक है. उनके मरने के बाद उन सबको पता चला कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, बट उससे पहले 1900 तक उनके काम को किसी ने भी वैल्यू नहीं किया, बिकॉज उनके कुछ अलग अलग रीजंस थे, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेंडल का काम है उसको रीडिस्कवर किस तरीके से किया गया, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल का काम अनरिकग्नाइज्ड रह गया फॉर सेवरल ऑफ ईयर्स, राइट. तो वो रीजंस क्या हैं. फर्स्टली, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. वहाँ पर कम्युनिकेशन और पब्लिसिटी इतना ईजी नहीं था एट दैट टाइम. सो सबसे पहला जो यहाँ पर रीज़न है वो यही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी. जो मैं आपको लाइन्स बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, वो लाइन्स प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वो एक नोट्स की तरह आपके लिए काम करेंगे. और आप जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, या फिर क्या रीज़न थे कि अनरिकग्नाइज्ड रह गया इतने सारे सालों के लिए मेंडल का वर्क, तो वो रीजंस आपको टू द पॉइंट देने होंगे. तो टू द पॉइंट ही मैं बोलूँगी यहाँ पर, आपको समझाऊंगी एनसीईआरटी बाद में, बट टू द पॉइंट आपको सामने बोलूँगी. अब आप कहोगे इतना ज़्यादा बोल रही है टीचर, तो ठीक है बंद हो जाती हूँ मैं. कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ. आज के ज़माने में आपके पास एंटरटेनमेंट कम्युनिटी है, आपके पास मीडिया है, आप इजीली सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो. बट एट दैट टाइम इतना पब्लिसिटी नहीं था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, ठीक है. तो उसके काम को वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं कर पाए लोग, ठीक है. उसका काम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाया. सेकेंडली, एक और कॉन्सेप्ट था, एक और रीज़न था, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, या फिर जिसको उन्होंने फैक्टर्स कहा था, मेंडल के शब्दों में कहें तो फैक्टर्स, एज टेबल्स एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल, एक सेकेंड, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कंटेम्प्रेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर. इसका मतलब कि जब उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया था, उनका कॉन्सेप्ट था अबाउट फैक्टर्स, जिनको अब हम जीन्स भी कहते हैं, तो उन्होंने कुछ बताया था कि ये स्टेबल किस तरीके से हैं, ठीक है. डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है. F1 जनरेशन में भी हमें कई बार देखने को मिला था दोनों पेरेंट्स का, और वो था अलग लॉ के अकॉर्डिंग. तो ये लॉ जो है उनके कलीग्स ने, उनके कंटेम्प्रेरीज जो उनके कंपेटिटर्स थे साइंटिस्ट, उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था. क्यों? बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिल रहे थे इन नेचर, जो कि मेंडल अपने लॉज के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियरली समझा चुके थे कि ये जो चेंजेस हैं ये इस लॉ के अकॉर्डिंग है, मैंने ये लॉ बनाया है, ये चेंज इस लॉ के अकॉर्डिंग है. बट उनकी बात को इतना ध्यान से नहीं सुना गया और उनके काम को कंसिडर नहीं किया गया, राइट. उसके बाद है मेंडल्स अप्रोच. नाउ मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, सबसे मेन रीज़न ये भी है कि लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने स्टेटिक्स और मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज़ किया, और उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व भी कर दिया. आज अगर हम ये जीन्स का कॉन्सेप्ट जान पाए हैं, अगर हम ये क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट जान पाए हैं, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेंडल, ओके. अगर वो नहीं करते तो कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाता. हाँ, समझते ज़रूर, बट काफ़ी टाइम लग जाता, राइट.
then was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. उसके टाइम के जितने भी बायोलॉजिस्ट थे many of them were not happy कि वो मैथमेटिक्स को यूज़ करके बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करें. फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जो जीन्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, वही हैं जो फ्रॉम टू पेरेंट्स जो हैं एक दूसरे के आसपास ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वो गैमीट बनाते हैं जीन्स. उसके बाद जीन्स ही हैं, ठीक है, जीन्स ही हैं जो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं. ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, वो कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे. सब कुछ उनके कह सकते हो कि पेन पेपर का काम था, उन्होंने सब कुछ समझा दिया था कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बट एवरीबडी वॉन्ट्स प्रूफ. और ये बहुत क्लियर कट है कि आज के टाइम में भी विदाउट प्रूफ कोई चीज़ आप प्रूव नहीं कर पाते हो. तो वहाँ पर भी एक प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था, फिजिकल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट था जो वो नहीं शो कर पाए थे, राइट. फैक्टर्स से व्हाट दे आर मेड ऑफ, कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि पता चल पाए फैक्टर्स किसके बने हुए हैं या फिर फैक्टर्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, राइट. इन 1900 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 3 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डी वेरियस, कॉरेंस एंड वॉन शर्मार्क, ठीक है. ये 3 हमारे साइंटिस्ट थे इंडिपेंडेंटली जिन्होंने डिस्कवर किया था मेंडल के काम को ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट माइक्रोस्कोप भी यहाँ पर आ चुका था, एडवांस हो चुकी थी चीज़ें, तो इनको बहुत ही ईजी तरीके से ईजिली इन्होंने मेंडल के काम को स्टडी किया. वट टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिविजन, वो केयरफुली सेल डिविजन को देख रहे थे और वो ये देख रहे थे ऐसा क्या चीज़ पास हो रही है जो मेंडल ने कहा फैक्टर, वो चीज़ रियल में पास हो रही है या नहीं. और अब उनको फिजिकल प्रूफ भी मिल चुके थे, क्यों, क्योंकि उनके पास माइक्रोस्कोप था, राइट. देन दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि वो एक तरीके से किसको पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे यहाँ पर सेल को, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सेल को पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियस उनको वहाँ दिखेगा. तो इसकी वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई दैट अपीयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिविजन, जो डबल हमें शो होता है सेल के अंदर. और जैसे ही सेल डिवीजन होता है, समझ लीजिए ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और न्यूक्लियस भी कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा. और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहाँ से टूट जाएगा और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों सेल्स में एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा. दीज वर कॉल्ड क्रोमोजोम, ये क्या थे एक्चुअली जिनके अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था और सेल डिवीजन हो रहा था, ये क्रोमोसोम थे, ठीक है. क्रोमोसोम कैसे थे दिखने में, कलर्ड बॉडीज थे, देवर विजुलाइज्ड बाय स्टेनिंग, स्टेनिंग की मदद से इनको विजुलाइज किया गया. मतलब एक स्टेन मतलब क्या होता है, धब्बा, ठीक है, एक दाग होता है, तो वैसी फॉर्म में ये प्रेजेंट थे सेल के ऊपर. बाय 1902 द क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट. 1902 के टाइम पे जो क्रोमोसोम की मूवमेंट थी मियोसिस के दौरान उसको देखा गया. अब आए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, याद रखना सट्टन एंड बोवरी, ये नाम आपको आगे भी याद रखना है, आगे भी आपको समझाया जाएगा मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका. नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. उन्होंने, बोवरी और सट्टन ने ये चीज़ नोटिस की कि जिस तरीके से जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जो हमारे फैक्टर्स जिनको मेंडल ने बोला था जीन्स हैं, जैसे वो मूव कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स भी काम करते हैं अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, एंड यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट. इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ. उन्होंने इसी क्रोमोसोम और जीन्स के मूवमेंट को एक अपना प्रूफ बनाया मेंडल के काम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस. आपने माइटोसिस जब पढ़ा था जहाँ पर इक्वल चीज़ें डिवाइड हो जाती, मतलब चीज़ें इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाती हैं, दो डिफरेंट इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो होता है माइटोसिस, ओके. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वल पोर्शन में डिवाइड होंगे, एंड ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है, अगर चीज़ एक है तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन है, वहाँ पे चीज़ कम होती है. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम एज वेल एज जीन ऑकर्स इन पेयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जाननी कि क्रोमोसोम और जीन्स जो हैं वो पेयर्स में एक तरीके से ऑक्यर होते हैं, पेयर्स में हमें देखने को मिलते हैं. द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम. जो दो एलील्स हैं किसी जीन पेयर के वो होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के, ठीक है, सेम पैरेलल चलते हैं. अगर होमोलोगस है कंडीशन तो होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कंडीशन प्रेजेंट होगी जीन्स के लिए, ओके. तो पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के, यहीं पे ये जो क्रोमोसोम थ्योरी है इसके अंदर यही गिवन है. और वन मोर थिंग, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो आपको कहाँ से लिखनी है, वो आपको लिखनी है कि बाय 1900 ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी क्रोमोसोम वर आल्सो डिस्कवर्ड एंड सट्टन एंड बोवरी डिस्कवर्ड दैट द, मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ.
देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये आपका अराउंड जो आपकी एग्जाम में आपको लिखना है वो इसके अंदर से लिखना है, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप था उनके पास, ठीक है, सटन एंड बोवरी ने अपना जो काम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वॉज नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. एग्जैक्टली ये हैं आपकी जो चीज़ें जो आपको क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में लिखने हैं अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट. क्रोमोजोम एंड जीन्स बोथ ऑक्यर्स इन पेयर, दोनों ही पेयर में ऑक्यर होते हैं, ये आई गेस हमने यही कहीं पढ़ा था, ये रहा, ठीक है. दीज टू ऑक्यर्स इन पेयर्स, ओके, टू एलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम. उसके बाद सटन एंड बोवरी ने एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कवर की थी कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम दैट अल्टीमेटली लीड्स टू सेग्रेशन ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी, कि जो पेयर बनते हैं और सेपरेशन होता है क्रोमोजोम्स का जीन्स के साथ, वो अल्टीमेटली सेग्रीगेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर. जो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम के अंदर कुछ वही चीज़ें बताई हुई हैं जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी हैं. ये है जनरेशन वन और ये है जनरेशन टू, ठीक है. जब यहाँ पर पैरेलल चल रहे हैं क्रोमोसोम एंड द जीन्स, तो यहाँ पर मियोसिस वन के टाइम पे क्या होगा, मियोसिस वन के टाइम पे यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, ये हाफ में बढ़ जाएंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड कर जाएंगे. ये चीज़ें जब डिवाइड कर जाएंगी तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी, ठीक है. और उसके बाद जब आगे इनके अंदर वापस से मियोसिस होगा, मियोसिस टू होगा एनाफेस में, तो जर्म सेल्स बन के आएंगे. और आपको पता है कि मियोसिस का मतलब हाफ, तो इसको जब आप हाफ में तोड़ोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसको हाफ में तोड़ोगे तो ये ऐसा बन जाएगा. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ मियोसिस एंड जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन अ सेल विद फोर क्रोमोजोम, राइट. फोर क्रोमोजोम है तो दो दो में डिवाइड होंगे, और दो के बाद वो सिंगल सिंगल में डिवाइड हो जाएंगे. तो यही है यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी थी. अब आते हैं कंपैरिजन. नाउ कंपैरिजन है इट इज़ बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन्स. जीन्स किस तरीके से आपने देख लिया कि दोनों ही पैरेलल चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कि जो या तो कंपेयर इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसको एग्जामिनेशन में लिखोगे. ये ज़रूर आता है, डिफरेंशिएशन ज़रूर आता है आपके बायोलॉजी के एग्जाम में, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपने मार्क्स सिली मिस्टेक की वजह से कट आउट ना करवाएं. सबसे पहले है, ये है हमारा क्रोमोजोम के लिए और ये है हमारा जीन्स के लिए. क्रोमोजोम ऑक्यर होते हैं पेयर्स में और जीन्स भी ऑक्यर होते हैं पेयर्स में. क्रोमोजोम जो है सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन. गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेग्रीगेट कर देते हैं कि सिर्फ एक ही जो है हमारा पेयर वो ट्रांसमिट हो सके गैमिट तक, और जो हमारे जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, ताकि एक ही जो पेयर है वो ट्रांसमिट हो सके गैमिट तक, ठीक है. तो सेम है यहाँ पर. उसके बाद इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं हमारे क्रोमोजोम के, वो जनरली सेग्रीगेट कर देते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं. वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर. जो एक पेयर है वो एक दूसरे से, दूसरे वाले पेयर से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर. उसके बाद आते हैं, ड्यूरिंग एनाफेस ऑफ मियोसिस वन द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेस प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. यहाँ पर समझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, क्यों, बिकॉज ये जो है ये है यही चीज़, ये जो आपने डायग्राम में पढ़ा है इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ पर इसको रीड आउट कर लीजिएगा. अब आती है पॉसिबिलिटी वन एंड पॉसिबिलिटी टू. दो तरह की चीज़ें हो सकती थी यहाँ पर, कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोजोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोजोम यहाँ पे होता. सेम वही चीज़ है जो आप पहले क्रॉसओवर करा रहे थे, बट यहाँ पर क्रॉसओवर कराने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. वो कैसे, कि यहाँ पर मियोसिस वन एनाफेस, यहाँ पर मियोसिस वन एनाफेस जब हो रही है तो इसके अंदर मियोसिस टू होगी. पहले मियोसिस वन होगी तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये हाफ में डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर भी हाफ में डिवाइड हो चुका है. अब इसके बाद जब मियोसिस टू हुई, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस टू, तो अब ये भी हाफ में डिवाइड होगा और ये भी हाफ में डिवाइड होगा. जब ये हाफ में डिवाइड होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा और ये भी कुछ इस तरीके से होगा. लेकिन अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं चेंज कर दूँ ये चीज़ के अंदर मियोसिस कराऊँ, तो ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा, ये पार्ट डिवाइड हो गया यहाँ पर, राइट. उसके बाद अब इन दोनों को भी मुझे डिवाइड करना है, मुझे क्या करना है, इनके अंदर भी मियोसिस कराना है. तो वो मियोसिस कैसे होगा, कि ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंटली प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको दी गई हैं, राइट. उसके बाद सटन एंड बोवरी ने और क्या क्या किया, सटन एंड बोवरी ने बहुत अच्छी चीज़ें की. डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाया उन्होंने डॉर्सोफिला में, एंड ताकि लिंकेज को पढ़ सके, रिकॉम्बिनेशन को पढ़ सके. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी सामने आ रही हैं पढ़ने के लिए. सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर. उनके बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुआ था
ठीक है, उनके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था कि पेयर जो बन रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं जो जीन्स या क्रोमोसोम, वो सेग्रीगेशन तक पहुंच रहे हैं एट द एंड, ठीक है, पेयर के सेग्रीगेशन तक पहुंच रहे हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, बिल्कुल क्लियर हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम और जीन्स आपस में पैरेलली वर्क करते हैं और इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको हम कहते हैं टी एच मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? टी एच मॉर्गन ने एंड इस कलीग्स, उनके कलीग्स ने, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो सटन था उसने अपनी नॉलेज को यूनाइट करके क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की, ताकि मेंडल के प्रिंसिपल के साथ उसने उसको बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और जो टी एच मॉर्गन थे उन्होंने जनरली वेरीफाई किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था कि जो हमारा क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए एक प्रूफ दिया था। आप कह सकते हो कि उस चीज़ को डिस्कवर किया सटन ने और बोवरी ने, ठीक है, बट जो वहाँ पर काम किया, जो उन्होंने प्रूफ दिया, वो किसने दिया? टी एच मॉर्गन ने। मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज, उन्होंने कहा पी प्लांट के साथ ही क्यों, ये इनहेरिटेंस की चीज़ हम किसी एनिमल लिविंग में भी देख सकते हैं, प्लांट तो लिविंग है ही ऑलरेडी, बट हम किसी लिविंग एनिमल में भी देख सकते हैं, जिसको उन्होंने डॉसोफिला को कंसिडर किया। राइट, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, जो बहुत सिंपल थे इस तरीके की स्टडी के लिए, बिकॉज उनको लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है सिंथेटिक मीडियम के अंदर। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, तो इसलिए जितना शॉर्ट लाइफ साइकिल होगा उतनी जल्दी आपको जनरेशन मिलेंगी और आपको आपकी स्टडी करने में इजी रहेगा। ठीक है, ये होता है साइंटिस्ट का एक फंडा कि शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला ज़्यादा जल्दी लिया जाए। दे कंप्लीट देयर लाइफ, ये हो चुका है गाइस, एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक सिंगल मेटिंग, एक सिंगल रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज को जन्म दे सकता है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेज, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल इनके बीच में इजिली हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे, इसलिए बहुत ईजी रहता है इनकी स्टडी में, इनके जो आगे आने वाली एक्सपेरिमेंट है उसके लिए। उसके बाद ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स। इनके अंदर हेरिडेटरी में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है जो आप लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोपिक वे से आप इसको देख सकते हो। ये है फीमेल और ये है मेल, आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाता है कि वो कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, या फिर इनके बीच में जो कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो जो मेल है, राइट, जो मेल है वो ये वाला, जिसकी हाइट छोटी है, आप कह सकते हो छोटी, और विंग्स भी छोटे हैं, और फीमेल द बिगर वन। राइट, तो आगे हम देखते हैं कि क्या गिवन है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, थॉमस ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, थॉमस ने अपना काम कर दिया। उसके बाद मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो जनरली था क्या, हम ये देखेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन डॉर्सोफिला, उन्होंने डॉर्सोफिला के अंदर काफ़ी सारे क्रॉसेस किए ताकि वो जीन्स को पढ़ सकें कि सेक्स लिंक्ड हैं या नहीं है। द क्रॉसेस वॉज सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय द मेंडलियन पीस, जो उसने क्रॉस कराए उनका जो आउटकम आ रहा था वो मेंडल ने जो मटर के प्लांट के साथ कराया था, पी प्लांट के साथ जो कराया था, उससे एग्जैक्टली सेम आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज कराया गया है येलो बॉडीड को वाइट आइड फीमेल के साथ और ब्राउन बॉडीड को रेड आइड मेल के साथ, तो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग आ रहा था वो बहुत ही सिंपल F1 प्रोजेनी में कोई एक ही डोमिनेंट हो रहा था, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और F2 जनरेशन में वहाँ पर 9:3:3:1, ये हम पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जब भी दो जीन्स इंडिपेंडेंट होंगे तो रेशियो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, उनको पता था कि उनके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, एंड सो क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वर स्टडीड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, जो कॉम्बिनेशन था जीन्स का वो पेरेंटल में ज़्यादा हायर था एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल में। राइट, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द जीन्स एंड इज कॉइंड देन टर्म लिंकेज।
नाउ व्हाट इज लिंकेज. लिंकेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब फिजिकल एसोसिएशन होता है किसी भी जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर तो उसको हम कहते हैं लिंकेज. एंड हम रिकॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन जहाँ पर नॉन पेरेंटल जीन जो है आपस में कंबाइन करते हैं. राइट, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड टर्म दिस रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन वेन जीन्स वर ग्रुप्ड और द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड व्हाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड शोज हायर रिकॉम्बिनेशन. जो लूजली लिंक्ड हैं, लिंकेज तो है जीन्स के बीच में और क्रोमोसोम के बीच में, बट जो लूजली लिंक्ड हैं वो हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं और जो टाइटली लिंक्ड हैं वो जो है लो रिकॉम्बिनेशन को दिखाते हैं. ये यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि उन्होंने एग्जाम्पल को दिखाया था एक, ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड. वाइट और येलो बहुत टाइटली लिंक थे, उनको सेपरेट करना इतने ईजी नहीं था, इंडिपेंडेंट करना ईजी नहीं था. सो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग शोड्स 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन. हिज स्टूडेंट आल्फ्रेड स्टूटवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड द मेप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम. टूडे जो जेनेटिक मैप्स बनाए जाते हैं आर एक्सटेंसिवली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सिक्वेंसिंग ऑफ whole genomes as well as was done in the case of human genome sequencing project. आपको आगे आप पढ़ोगे human genome project के बारे में तो उसके अंदर भी linkage और recombination का बहुत ही easily use किया गया है genes को और chromosome को समझने के लिए. right, तो ये जो आपके सामने आगे आपको दिख रहा है ये है Drosophila के लिए. ठीक है, Drosophila में किस तरीके का वो कराया गया था, क्रॉसओवर कराया गया था, ये उसके बारे में है कि येलो और वाइट एंड ये वाइल्ड टाइप, यानी कि येलो और वाइट यहाँ पे मेल और फीमेल टाइप ले लिए गए पेरेंटल. ओके, और ये वाइट और मिनिएचर है, ये फीमेल और ये मेल. क्रॉस ए और क्रॉस बी को जब आप कराओगे तो ये क्रॉस होने के बाद कैसे आएंगे, कुछ इस तरीके से, दिस वन क्रॉस्ड विद दिस वन एंड दिस वन क्रॉस्ड विद, इसको हम ऐसे ले लेते हैं. हाँ, ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्रॉस हो जाएगा इस वाले के साथ. राइट, और ये वाला पोर्शन जो है क्रॉस हो जाएगा इसके साथ. आपको पता है क्रॉसिंग कैसे कराते हैं, तो बस आपको क्रॉसिंग करानी है और आपको चीज़ें देखनी है कि आपने किसको क्या नेम दिया है और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्रॉसिंग इजीली हो जाएगी. सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच. इससे नेक्स्ट जो है हमारी दो या तीन टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. विद दैट सेड, थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें. एंड वन मोर थिंग, वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा. विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.